समस्त ब्रह्मांड ना योग मैनेजमेंट गुरु भगवान श्री कृष्ण 7 सप्टेम्बर ना रोज भगवान श्री कृष्ण नी हेप्पी बर्थडे एटले के जन्माष्टमी नो उत्सव आ वर्षे धामधूम थी उजववामां आवशे। हिंदू धर्म शास्त्रों मां भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसोना विध्वंस माटे जन जनना कल्याण माटे विशेष पूजन करवामां आवे छे। भगवान श्री कृष्ण ए गौ पूजन अने गौ ना दूध दही ना सेवन ने विशेष महत्व दर्शाव्यू। पंचामृत मां पण दूध दही नु विशेष महत्व छे। भगवान श्री कृष्ण नो जन्म कृष्ण पक्ष एटले के अंधाराम मां थयो पण समस्त जगत ने अंधकार मांथी प्रकाशमय बनाववानो संकल्प प्रेरणादायी छे। भगवान श्री कृष्ण शिक्षक मार्गदर्शक फिलोसोफर अने आत्मीय सर्वोच्च शक्ति जेवी विविध भूमिका भजवी अने विष्णु ना अवतार स्वरूपे वांसळी माथा पर मोरना पिंचा साथे भगवान श्री कृष्ण साउंड पावर अने प्राणी मात्र ना जीवन मां कलर नु महत्व दर्शावे छे। आ दिवसे भक्तिमय गीतो साथे दही हांडी रासलीला साथे जन्माष्टमी नो उत्सव उजववामां आवे छे। भगवान श्री कृष्ण नो जन्म थयो त्यारे एक चमत्कार थयो के जेलना दरवाजा आपोआप खुली गया, रक्षको सुई गया। भगवान श्री कृष्ण ना पिता श्री वासुदेव कृष्ण ने नाना टोपला मां लईने मोटा महासागर मांथी पसार थईने गोकुल खाते मित्र नंद ने त्यां लई आव्या एटले ज कहेवामां आवे छे, नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वासुदेव पोताना पुत्र ने यशोदा अने नंद बाबा ने घरे मूकीने एमनी दीकरीने लईने पाछा जेल आव्या। तरत ज दरवाजा बंद थई गया अने ज्यारे कंसे ए दीकरीने मारी नाखवानो प्रयत्न कर्यो त्यारे ए दीकरी आकाशमां उड़ान भरीने एमने चेतवणी आपी के तमने मृत्युलोकमां मोकलनार सलामत छे, तमारू आयुष्य पूर्ण थता तमारू मृत्यु छे ज। श्री कृष्ण जनिति अने उपवास भगवान श्री कृष्ण जेवा पुत्र इच्छनारा दाम्पत्य जीवनमां राधा कृष्ण जेवो अखंड प्रेम मळे ते माटे बधा ज स्त्री पुरुषो बाळको जन्माष्टमीने दिवसे उपवास राखी भगवान श्री कृष्णना जन्म पछी उपवास पूर्ण करे छे अथवा बीजा दिवसे सवारे उपवास छोड़े छे। आ दिवसे भगवान श्री कृष्णने मध्यरात्रिए जन्म आप्या पछी रंगीन झूलामां झूलावामां आवे छे। मथुरा अने द्वारकामां पण खूब ज धामधूमथी आ उत्सव मनाववामां आवे छे। महाराष्ट्र मां गोविंदा आला रे आला गीत थाय छे। वृंदावन मां वांके बिहारी नु मंदिर छे त्यां जोरदार लाइटिंग करवामां आवे छे अने भगवान श्री कृष्णनी विशाल कृतिओ सजावीने जन्मदिवस उजवे छे। श्रीमद भगवत गीता मां लख्यू छे के मानसिक शंकाओ ज्ञान द्वारा ध्यान योग द्वारा दूर करी शांति मेळवी शकाय, आनंद मेळवी शकाय ते शक्तिनु मनोबळनु सर्जन भगवान श्री कृष्णनी पूजा आराधनाथी एमनुं ध्यान करवाथी मळे छे। स्वास्थ्य सुंदरता व्यवसाय समृद्धि अने नैतिक मूल्योथी जीवनने समृद्ध बनाववुं होय तो भगवान श्री कृष्णनी कुंडलीना ग्रहो प्रमाणे योग अने मैनेजमेंटमां एक्सपर्ट बनीए भगवान श्री कृष्ण एटले बुद्धिमत्ता चातुर्यता युद्धनीति आकर्षण प्रेमभाव गुरुत्व योग कर्मनी दृष्टिए अद्वितीय छे। भगवान श्री कृष्णनी कुंडलीना ग्रहोनुं संशोधनात्मक रीते अभ्यास करीए तो खरेखर एमनी कुंडलीमां योग अने मैनेजमेंटनी दृष्टिए असाधारण योगो बने छे एटले ज भगवान श्री कृष्णने समस्त ब्रह्मांडना योग मैनेजमेंट गुरु कहेवामां आवे छे। भगवान श्री कृष्णना जीवनना प्रसंगोनुं गीता आधार पर स्पष्टीकरण करवामां आवे तो आजना कोर्पोरेट क्षेत्र तेमज मैनेजमेंटनी दृष्टिए कर्मयोग खूब ज महत्वनो बनी जाय छे। अमारा व्यवहारथी हमेशा अमने तेमज बीजाने लाभ ज थवो जोईए, क्यारे बीजाने नुकसान न थवो जोईए, ए सूत्र खूब ज महत्वनु छे। एमना सूत्र अपनाववाथी कंपनीने समाजने पूर्ण लाभ थाय छे। राजनीतिना क्षेत्रमां पण भगवान श्रीकृष्णना ग्रहो खूब ज महत्वनो छे। भगवान श्रीकृष्णनी जन्मकुंडलीना ग्रहयोग आ प्रमाणे छे, आप जोई रह्या छे। कुंडलीमां चौथा स्थानमां स्वगृही सूर्य परिवार समाज अने देशनी रक्षा माटे बधुं ज करी छूटवानी इच्छा दर्शावे छे। ज्यारे पांचमा स्थानमां उच्च राशिनो बुध बुद्धि चातुर्यताथी दरेक काममां सफलता मेळववी तेमज संकल्प शक्ति वधारवा माटे सूर्य बुध महत्वना भाग भजवी रह्या छे। कंपनी अने व्यवसायमां सफलता मेळववा माटे कोई पण कार्यमां सफलता मेळववा माटे समयसर योग्य निर्णयो लेवा माटे लाभ स्थानमां स्वगृही गुरु लाभदायी छे। शारीरिक शक्ति अने क्षमतानी दृष्टिए विचार करिए तो उच्च राशिनो मंगल भाग्य स्थानमां पराक्रमी पुरुषार्थवादी बनावे छे। हमेशा शक्तिशाली रहेवा माटे योगना सिद्धांतो माटे मंगल अने गुरु महत्वनो भाग भजवी रह्या छे। चंचलतानी दृष्टिए उच्च राशिनो चंद्र केतु साथे पहला स्थानमां श्रेष्ठ योग बनावी रह्यो छे। प्रभाव आकर्षण माटे स्वगृही शुक्र उच्च राशिना शनि साथे छठ्ठा स्थानमां छे। आ बधा ज प्रबळ राजयोगमां भगवान श्रीकृष्णनुं जन्म थयुं।
चंद्र राहु ना ग्रहण योग तेमज चौथा स्थान मां स्थित सूर्य पर मंगल ना कारणे माता पिता ने कष्ट सहन करवू पड्यू पण अंते ग्रहों ना प्रभावे राज्य ने देश ने कर्मनी थियरी भगवाने आपी। राजकारण होय, पारिवारिक जीवन होय, मित्रों के सखा होय, पत्नी के माता पिता साथे कई रीते वर्तवू ते एमना जीवन थी जीवन नी लीला थी शीखी शकाय। 16,000 राणियों पर भगवान श्रीकृष्ण नो प्रभाव आजे कलियुग मां मानसिक चंचलता हद वटावी गई छे त्यारे भगवान श्रीकृष्ण ने 16,000 राणियों पर प्रभुत्व अंकुश कनी रीते राख्यो ते खरेखर शीखवा जेवू छे। भगवान ना चरित्र गुरु चरित्र थी सद्गुणों प्राप्त करी मनुष्य पोताना जीवन ने सफल बनावी शके। 16,000 राणियों बाबते नकारात्मक विचारों कलियुग मां बधाने आवे छे पण खरेखर 16,000 राणियों नो अर्थ शरीर नी 72,000 नाडियो मांथी मुख्य 16,000 नाडियो पर प्रभुत्व मेळवी लेवामां आवे तो बाकी नी नाडियो स्वतः कह्यामां रहती होय छे। व्यक्ति शक्तिशाली बनी चंचलता पर प्रभुत्व मेळवी शके ए रीते योग विद्या द्वारा स्वस्थ संपन्न शक्तिशाली बुद्धिशाली बनी समृद्धिमय जीवन बनावी शकाय। भगवान श्रीकृष्ण थी सौंदर्यनु महत्व समझिए भगवान श्रीकृष्णनी जन्मकुंडली मां चंद्र उच्च राशिमां शुक्र स्वगृही मंगल शुक्रनो केंद्रयोग हमेशा सुंदर रहेवानुं संकेत आपे छे। सुंदर रहेवा माटे बाह्य अने आंतरिक स्वस्थता जरूरी छे। घरना वडील होय कंपनीना मालिक होय के सफल मैनेजर पोतानुं स्वरूप मननी शुद्धता अने समृद्धिथी प्रभाव केवी रीते वधारवू ए भगवान श्रीकृष्ण पासेथी शीखवू जोईए। एक सफल मैनेजरे पोताना लुक्स पर केटलू ध्यान आपवू जोईए। पोतानी पर्सनालिटी बाबते केटलू जागृत रहेवू जोईए ते चंद्र गुरु शुक्र पर निर्भर करे छे। भगवान श्री कृष्ण कहे छे हमेशा अपडेट रहो आत्मनिरीक्षण करता रहो। उच्च राशि नो मंगल भाग्य स्थान मां स्वगृही गुरु लाभ स्थान मां स्वगृही शुक्र छठा स्थान मां स्वगृही सूर्य चौथा स्थान मां उच्च राशि नो बुध पांचमा स्थान मां हमेशा अपडेट रहेवानू कहे छे। संशोधन करवानू कहे छे ते मुजब ज्ञान प्राप्त करवू ध्यान राखीने श्रेष्ठ प्रगति करवी साथे साथे आत्मनिरीक्षण करवामां पण कमी न राखवी प्रोफेशनल लाइफ माटे खूब ज जरूरी छे। भगवान श्रीकृष्णे कुंडलीना ग्रह योगो प्रमाणे दरेक क्षेत्रमां स्वधर्मनुं पालन कर्युं अने मानवी माटे जीवनना एक एक चरित्रने योग अने मैनेजमेंट माटे प्रेरणादायी जीवन बनाव्युं। छळ अने कपटना आजना कलियुगमां कुंडलीना ग्रहयोग जोई सफळता मेळवी शकाय। समय केवो चाली रह्यो छे ए संबंधी ग्रहयोग द्वारा मार्गदर्शन मेळवी जीवनने सफळ बनावी शकाय। संदेश शक्ति समाचरित हालमां भ્રષ્ટાચારની વિરુદ્ધમાં અનેક અગ્રણી નેતાઓ શાસકો વિપક્ષના નેતાઓ સહિત દેશમાં એક એક નાગરિક જાગૃત થયા છે તે સ્થિતિ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના યુગમાં ગીતા અધ્યયન પછી જાણી શકાય કે ખરેખર પરિવાર સમાજ અને રાષ્ટ્રમાં એકતા હોય તો શાસકોએ પણ પ્રજાહિત માટે ઝૂંકવું પડે। સંગઠનમાં એકતામાં અસાધારણ શક્તિ હોય છે એ સમય બતાવી દે છે।